अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं आम का अचार, जो कि बहुत ही टेस्टी, मज़ेदार और मसालेदार। ये आम का अचार आज हम बनाने वाले हैं। तो आम का अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 किलो कच्चा आम ले लिया है, जिसे हम कैरी बोलते हैं। तो यहाँ पर इसे मैंने अच्छे से कट करके धो लिया था, और धोकर अच्छे से इसे सुखा लेंगे, एकदम ड्राई ले लेंगे इसे। उसी के साथ मैंने यहाँ पर 1/2 कप ले लिया है अखा धनिया, 1/2 कप ज़ीरा, 1/2 कप सौंफ ले लेंगे, और उसी के साथ मैंने यहाँ पर लिया है 2 बड़े चम्मच कलौंजी, 1/2 कप ले लिया है मैंने यहाँ पर अजवाइन, 1/2 कप राई। यहाँ पर मैंने लिया है सूखी हुई लाल मिर्च 15 से 20, 1 चम्मच सौंफ ले लेंगे, 1 चम्मच अजवाइन, मेथी दाना ले लेते हैं 1 चम्मच, कलौंजी 1 चम्मच, हल्दी पाउडर मैंने लिया है यहाँ पर 1 चम्मच। तो चलिए अब एक पैन ले लेते हैं, उसे अच्छा गरम कर लेंगे। जब पैन गरम हो जाए तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं अखा धनिया। इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, हल्का ही फ्राई करना है इसमें खुशबू आने तक, ज़्यादा इसे नहीं भूनना है। धनिया हमारा भून चुका है, इसमें हल्की सी खुशबू आ गई है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब उसी पैन में हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 1/2 कप ज़ीरा। ज़ीरे को भी लो फ्लेम पर हम भून लेते हैं हल्की सी खुशबू आने तक। ज़ीरा हमारा भून गया है, इसमें हल्की सी खुशबू आ गई है, अब इसे भी निकाल लेंगे। अब मैं यहाँ पर 1/2 कप सौंफ ऐड कर रही हूँ। सौंफ को भी इसी तरह से लो फ्लेम पर भून लेते हैं हल्की सी खुशबू आने तक। जब इसमें हल्की सी खुशबू आने लगे तो अब हम इसे निकाल लेते हैं, उसी प्लेट में निकालेंगे जिसमें हमने अखा धनिया और ज़ीरा निकाला था। अब उसी के साथ मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1/2 कप राई। इसे भी हम हल्का भून लेते हैं खुशबू आने तक। ये भून चुका है, अब इसे निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर मैं अजवाइन ऐड कर रही हूँ 1/2 कप। इसे भी हल्का सा भून लेंगे खुशबू आने तक। इसमें हल्की सी खुशबू आ गई है, भून गया है ये, अब इसको निकाल लेते हैं। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 2 बड़े चम्मच कलौंजी। कलौंजी को भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे सिर्फ खुशबू आने तक। फ्राई हो जाए तो इसे हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने 1 चम्मच मेथी ऐड कर दिया है, इसे भी हल्का सा भून लेंगे, खुशबू आ रही है, अब इसे निकाल लिया है मैंने। अब हमने जो 15 से 20 सखी लाल मिर्ची लिए थे, इसे भी हल्का सा हम रोस्ट कर लेंगे, इसमें खुशबू आ गई है, अब इसे निकाल लेते हैं। अब एक पतीली में मैं यहाँ पर तेल को गर्म होने के लिए रख रही हूँ। तेल गर्म यूज़ करना है, इसीलिए तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। अचार में तेल ज़्यादा लगता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा तेल का इस्तेमाल किया है। अब हम एक ग्राइंडर जार ले लेते हैं, उसमें ये सारे मसाले जो हमने रोस्ट किए थे उसको ऐड कर देंगे। जब ये ठंडे हो जाए तो इसको हम दरदरा पीस लेंगे, एकदम बारीक नहीं करेंगे, दरदरा रखेंगे इस तरह से। अब एक बड़ा बर्तन ले लेंगे और जो हमने मसाले पीसे थे, दरदरे किए थे, उसे यहाँ पर ऐड कर देते हैं। इसमें मैं 1 चम्मच कलौंजी ऐड कर दूंगी, 1 चम्मच मैंने यहाँ अजवाइन ऐड किया है, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक मैं यहाँ पर 2 चम्मच ऐड कर रही हूँ। नमक का इस्तेमाल यहाँ ज़्यादा होगा, इसीलिए ज़्यादा नमक लेंगे। अब मैंने जो तेल को गर्म किया था, वो गर्म तेल मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। थोड़ा सा तेल गरम डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गरम तेल इसलिए डालेंगे क्योंकि हल्दी का जो कच्चापन है वो चला जाए। अब इसे हम ढक कर 5 से 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। 5 से 10 मिनट हो चुके हैं, मसाला अच्छे से ऑयल में मिक्स हो गया है। अब हमने जो कैरी सुखा कर रखी थी वो यहाँ पर ऐड कर देते हैं इसमें। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एक बड़े बर्तन में ही करेंगे ताकि ये मसाला जो है कैरी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। ये मिक्स हो गया है। अब मैंने 1 बड़ा चम्मच भरकर यहाँ पर तीखी वाली मिर्ची पाउडर ऐड कर दिया है। अब यहाँ मैं फिर से गरम तेल ऐड कर दूंगी ताकि जो हमारी मिर्ची पाउडर है उसका कच्चापन और हल्दी का कच्चापन जाने के लिए यहाँ पर हमने गरम तेल डाल दिया है। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैंने यहाँ एक कांच की बर्नी ले ली है, जिसे मैंने धोकर अच्छे से सुखा कर पोंछ लिया है। ये एकदम से सूखा हुआ रहना चाहिए। अब हम इसमें धीरे धीरे ये अचार ऐड कर देते हैं हमारा।
अचार को इस बर्नी में डालने से पहले इसमें नमक चेक कर लेते हैं। अगर आपको नमक कम लगे तो इसमें नमक ऐड कर दीजिए और इसे मिक्स कर लीजिए। तो हमने ये सारा अचार इसमें ऐड कर दिया है, और आप चाहे अगर आपको लगता है कि इसमें तेल आपको कम लग रहा है तो आप इसमें और एक्स्ट्रा गर्म करके तेल डाल सकते हैं, क्योंकि तेल जितना रहेगा तो उतना अच्छा रहेगा अचार के लिए, क्योंकि अचार जल्दी ख़राब नहीं होगा। अब हमारा ये आम का अचार बनकर रेडी हो गया है, तो अब हम इसका ढक्कन लगाकर इसे 2 दिन तक धूप में गला लेते हैं। जो कैरी है वो अच्छे से गल जाएगी, मसाले भी इसके साथ अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, तो इसका टेस्ट और अच्छा लगेगा, इसीलिए इसे 2 दिन तक धूप में रख देंगे। तो ये चटपटा सा मसालेदार हमारा आम का अचार बनकर रेडी है। बहुत ही इजी है इसे बनाना, आप इसे ज़रूर बनाएं, ट्राई कीजिए और हमें बताइए कमेंट करके कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिले। तो अब मैं यहाँ पर आपसे अलविदा ले रही हूँ, अगले वीडियो में मिलते हैं एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।